पत्ते पानी पेड़ जंगल सब्ज सोना है। अगर तुम हो तो इतना ही जरूरी इनका होना है। सीएट लिमिटेड कंपनी ये 1958 में इंडिया में आया, ओरिजिनल इटालियन कंपनी है। और भांडु प्लांट जो है हमारा, वो एक मदर प्लांट है यहाँ का। गए 50 साल से सीएट कंपनी यहाँ पे स्थित है और एक नामांकित कंपनी है। आरपीजी ग्रुप जो एक कंपनी है, वहाँ ऑलमोस्ट 20 कंपनीज हैं और ये सीएट लिमिटेड उनकी एक फ्लैगशिप कंपनी है। आरपीजी ग्रुप और सीएट लिमिटेड कंपनी, ये पीपल के लिए काफ़ी कंसर्न है। सीएट इज़ ए 50 ईयर ओल्ड फैक्ट्री कैरिंग आउट इट्स ऑपरेशंस फ्रॉम हियर सेटिस्फैक्टरली मीटिंग ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। हम टायर बनाने और बेचने का बिजनेस करते हैं और इस बिजनेस में हम बहुत सारा रॉ मटेरियल हैंडल करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस फैक्ट्रीज के अंदर करते हैं और फिर मटेरियल को बाहर भेजते हैं। ये सब काम करने के समय हम हमेशा जागरूक रहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का सेफ्टी हमेशा बरकरार रहना चाहिए। आज जो भांडु प्लांट में अराउंड 2400 एम्प्लॉयज़ हैं और उसके बाद काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर्स है और काफ़ी स्टेक होल्डर्स है, तो अराउंड 5000 स्टेक होल्डर्स और उनकी फैमिली इस पर डिपेंड है। एक ही प्लांट में हमारे पास सीनियर मैनेजर यहाँ है, उनके साथ ऑफिसर्स है और उनके साथ काफ़ी बड़ा टीम है जो इन्वायरमेंट सेफ्टी एंड हेल्थ की केयर लेते हैं। हमारे यहाँ पे एक क्लियर पॉलिसी है कि हम लोग हाउसकीपिंग, सेफ्टी और एनवायरनमेंट, एज एंड व्हेन नई टेक्नोलॉजी आती है तो वी कीप ऑन रिप्लेसिंग द ओल्ड टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारे पत्ते पानी पेड़ जंगल सबसे सोना है। अगर तुम हो तो इतना ही जरूरी इनका होना है। पोल्यूशन अगर हम लोग मोटे मोटे में देखेंगे तो एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा रहता है, फिर वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है और हजार्डस वेस्ट रहता है, बायोमेडिकल वेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। मंथली हमारा मॉनिटरिंग का शेड्यूल रहता है तो वी हैव अपॉइंटेड MPCB अप्रूव्ड लैब विच इज नेम एज अ स्काई लैब एनवायरो। उनकी पूरी मॉनिटरिंग की टीम हमारे यहाँ पर हर महीने आती है और एवरी मंथ ऑन 3 or 4 ऑफ द लोकेशंस वो लोग SPM माने सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, RSPM मतलब रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NOx दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो हम लोग मॉनिटर करते हैं। ये एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का हाई वॉल्यूम सैंपलर इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर है रिस्पायरेबल, जिसकी साइज लेस देन 10 माइक्रॉन्स होती है, 10 माइक्रॉन से कम साइज वाले पार्टिकल यहाँ खींचे जाते हैं। टेस्टिंग होने के बाद जब लैबोरेटरी में जाते हैं, डेसिकेटर में रख के सेफ कंडीशन में उसका फाइनल वेट भी लिया जाता है। तो इनिशियल वेट और फाइनल वेट, ये जो डिफरेंस है उससे 1 m³ हवा में कितना रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है वो मालूम पड़ता है। SPM की जो मात्रा है जिसका MPCB बोर्ड ने हमको लिमिट दिया है जो 500 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब है, और RSPM जो है उसका जो लिमिट है वो 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। हालांकि हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो SPM जो है वो लगभग 100 और 105 के आसपास में उसके लिमिट है, और RSPM जो है उसका लिमिट जो है वो अराउंड 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से रहता है। ये हमारे सीएट का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पे पानी में से ऑयल, ग्रीस और जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो अलग किए जाते हैं और यहाँ से ये पानी हम लोग
50% सैनिटेशन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं और बाकी बचा हुआ हम लोग प्लांटेशन के लिए यूज़ करते हैं, नर्सरी के लिए यूज़ करते हैं। पिछले अगर हम लोग 6 महीने का हम लोग बात करेंगे तो 6 महीने में हम लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा जो पोल्यूशन है एज फार एज SPM, RSPM, NOx एंड SOx, SO2 इज कंसर्न, इट इज़ वेरी वेल विद इन द लिमिट विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय द MPCB, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो हमको कंसर्न में लिखे दिया है कि आप इतना तक आपका परमिसिबल लिमिट है, हम लोग उससे कहीं कम हमारा पोल्यूशन है। हम ये जानते हैं कि हमारा जो कारोबार है उससे हमारे वातावरण के ऊपर अफेक्ट होता है। अभी तक हमारी कोशिश ये है कि हम जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उन स्टैंडर्ड के दायरे के अंदर अपना कारोबार करें। जो हमारा मदर प्लांट है काफ़ी 50 साल से ज़्यादा होने के बावजूद भी जिस तरह से वो अपडेशन किया हुआ है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, जिस तरह से पोल्यूशन हमारे एम्प्लॉयज़ को नहीं होता है तो बाहर को किसी को होने की संभावना नहीं है और वो हम लोग काफ़ी कॉन्शियसली केयर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे मॉनिटरिंग इक्विपमेंट हैं जिससे हम अपना एनवायरनमेंट मेजर करते रहते हैं, डस्ट लेवल मेजर करते हैं, पोल्यूशन लेवल मेजर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे साधन हैं जिससे कि हम ये सारे लेवल्स को कंट्रोल में रखते हैं। मेरा नाम HG पटवर्धन है और अभी पिछले 10 सालों से ये मिक्सिंग डिपार्टमेंट में मैं एक मिक्सिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज के हैसियत से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी हमने हर एक मशीन के ऊपर जो बैनबरी जहाँ पर कार्बन या सल्फर मिक्सिंग होता है उसके ऊपर डस्ट कलेक्टर्स लगाए हैं। डस्ट कलेक्टर्स का मतलब होता है फ्यूम्स और जो पाउडर उड़ती है वो एक्सट्रैक्ट करके ऊपर ले जाता है, उसको हवा में जाने से रोकता है। ये हाई कैपेसिटी डस्ट कलेक्टर्स हर एक मशीन के ऊपर लगाए हुए हैं। इतना ही नहीं, हमारी ये भी कोशिश है कि इनकी एफिशिएंसी और भी कैसे बढ़ाई जाए। इसके अलावा हमारे पास में एक वैक्यूम क्लीनर लगा है, दैट इज़ अ हाई कैपेसिटी इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर है। तो जो भी अगर मान के चलो कोई स्पिलेज अगर कार्बन का या फिर कुछ भी किसी भी प्रकार की डस्ट का होता है तो उसको एब्सॉर्ब करने के लिए, उसको सक करने के लिए हम लोग वो वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं। सो एंड इट इज़ अ वेरी वेल प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। लोगों को ऐसा लगता है कि टायर बनाती है इसका मतलब बहुत पॉल्यूशन है, बहुत कार्बन डस्ट फैलाती है, लेकिन बहुत ताजुब की बात यह है कि जैसे हर साल हम मेडिकल चेकअप लेते हैं और मेडिकल चेकअप लेने के बाद हमें ऐसा समझ गया है कि यहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिसीज किसी को नहीं है। मैं तो गए 36 साल से यहाँ हूँ और काम करते हुए आज भी मेरा, अभी मैं रिटायरमेंट को आ रहा हूँ, फिर भी मेरी हेल्थ जो है एकदम अच्छी है और कोई मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब भी हम कोई भी नया इक्विपमेंट लेने जाते हैं हमारे दिमाग में ये बहुत बड़ा एक सवाल रहता है कि ये इक्विपमेंट एनवायरनमेंट के लिए जो ज़रूरी है वो कर पाएगा या नहीं। तो हम खाली उसमें कितना उत्पादन आएगा वो नहीं देखते, किस तरीके से उत्पादन आएगा बिना एनवायरनमेंट को अफेक्ट किए हुए हम लोग देखते हैं। क्योंकि हमने ये रियलाइज़ किया कि हम जो ईंधन जलाते हैं वो ईंधन जो है उससे एनवायरनमेंट पे असर होता है, इसलिए हमने अभी बायोफ्यूल पे की ओर हम लोग जा रहे हैं। जो ज़मीन में से ऑयल निकलता है उसको न यूज़ करते हुए हम बगास जो शुगर केन का एक वेस्ट आता है उसको यूज़ करेंगे और बगास जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करता है जैसे कि हाइड्रोकार्बन करता है। सेफ्टी के अंदर हम बहुत सारे इनिशिएटिव लेते हैं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम करने की कोशिश करते हैं। अब लेटेस्ट हमने डिसाइड किया है कि हम लोग ओशा स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करेंगे। ये एक मापदंड है जो पूरी दुनिया में प्रचलित है और इसको सेफ्टी का हाईएस्ट स्टैंडर्ड माना जाता है। एक्सीडेंट रोकने के लिए हम लोग जैसे बात करते हैं कि एक्सीडेंट कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोकना चाहिए, तो इसमें 4 या 5 तरीके हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स उसमें लाते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स मतलब मेंटेनेंस हम लोग मशीन का प्रॉपरली रखते हैं।
फिर दूसरा आता है उसमें एलिमिनेशन, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, वो करने की अगर एक्टिविटी करने की ज़रूरत है तो वी एलिमिनेट दैट एक्टिविटी, वी ट्राई टू कंट्रोल दैट एक्टिविटी, देन वी ट्राई टू एडमिनिस्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर कुछ करके अगर वो आदमी को एक्सपोजर लेवल कम कर सकते हैं, एक्सीडेंट कम कर सकते हैं तो वो करते हैं, और लास्ट रिसोर्ट इज दिस पीपीज है, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, तो ये भी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं एक्सीडेंट रिडक्शन के लिए। जो नए नए सुरक्षा के साधन उपलब्ध है उसमें हम लोग जैसा कि ये है हेलमेट है, इससे कोई भी अपने सर के लिए चोट नहीं आना चाहिए, इसके लिए कामगारों को वो ये हेलमेट भी प्रोवाइड करते हैं। ऑफिसर्स लोगों को वाइट रखे हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं उनके लिए ब्लू रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लेबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने उसका कलर कोडिंग येलो रखा है, फायर फाइटिंग और इलेक्ट्रिशियंस जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया प्ले करते हैं इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी, उनके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने उनको स्पेसिफिकली रेड कलर मार्क करके रखा है, तो अगर आप कोई भी वर्कर्स देखोगे उसमें रेड है तो आइदर ही इज अ इलेक्ट्रिशियन और ही इज अ फायर फाइटर। फायर सेफ्टी जो है यानी कि अग्नि सुरक्षा, वो एक हमारे लिए महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें कि हम लोग हमारे सब वर्कर्स के लिए, हमारे मैनेजमेंट स्टाफ के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें ट्रेनिंग में बताया कि कौन सा टाइप का फायर रहता है, जैसा इलेक्ट्रिकल फायर रहता है, बाद में कंपनी से जो काम करते हैं उसके वजह से कभी कभी आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है, तो उसके जो जो टाइप है उसका हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसमें हम लोग बहुत बार बाहर का कंसल्टेंसी जैसे कि फैकल्टी हम लोग बोलते हैं उनको बुला के उनका और इन्फॉर्मेशन की जानकारी जो है हम लोग को वर्कर को देते हैं। हमारी एक फायर सेफ्टी वॉलंटियर्स की टीम बनाई है जो हर एक डिपार्टमेंट में है, हर शिफ्ट में है, जो हम लोग को मदद करती है। काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आई इंजरीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं या फिर कोई ऑपरेशन ऐसे जहाँ पे पार्टिकल्स या फिर डस्ट निकल सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप देखोगे तो ये पूरा इट्स अ क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्लियर है, जीरो इसका लेंस का कैपेसिटी जीरो है, तो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। वैसे ही कार्बन के जो कण है वो एम्प्लॉयज के नाक के थ्रू जाने की संभावना कम है, और उसके ज़्यादा प्रिकॉशन लेने लेके हम लोगों ने उनको मास्क प्रोवाइड किया है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने कुछ जहाँ पे केमिकल का काफ़ी जगह पे यूज़ होता है तो हम लोगों ने ये स्प्लैश प्रूफ गॉगल दिए हैं। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे पूरा ये एरिया कवर करके रखा है, तो अगेन एंड दिस इज़ अ फ्लेक्सिबल, तो हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से इट एडजस्ट हो जाता है। सेफ्टी हार्नेस हम लोग इसको बोलते हैं, तो फैक्ट्रीज एक्ट ये कहता है कि कोई भी काम अगर आप लोग 2 मीटर के ऊपर काम कर रहे हो, मतलब 6 फुट 6 इंच के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम चाहिए। मैं आपको एक रिसेंटली एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग प्लांट विजिट में नॉर्मल राउंड पे गए थे एंड मैंने देखा कि एक बंदा ऊपर ऊंचाई पे काम कर रहा था, बेल्ट नहीं लगाई थी उसने, तो मैंने उसका काम रोक दिया, उसको नीचे उतारा, फिर से 1-2 घंटे बाद फिर से वो काम करने गया, उसने पूरा बेल्ट पहना था, हेलमेट ये लगाया था, गॉगल लगाया था, पूरी तरह से वो प्रिकॉशंस लेके काम कर रहा था, उसका पैर स्लिप हो गया अनफॉर्चुनेटली, जैसे पैर उसका स्लिप हो गया वो नीचे गिर गया, बट सिंस बेल्ट ऊपर था उसका, बेल्ट उसने अच्छी तरह से लगाया था इसलिए पूरा बच गया, और जैसे फिर मुझे पता चला इस इंसिडेंट के बारे में, मैं उसके पास गया देखने के लिए, तो ही वॉज वेरी थैंकफुल टू मी, वो मुझे बोलने लगा कि सर आपने मेरी जान बचाई। और बाकी जो भी आदमी अंदर आता है उनको भी एक इक्विपमेंट जब प्लांट के अंदर आना चाहता है और प्लांट के अंदर आता है तो उनको लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करने का बताते हैं। जैसे हमने आपको बताया ये सारे प्रयत्न हम कर रहे हैं सेफ्टी और एनवायरनमेंट के लिए, अब सवाल आता है ये करने से कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, बहुत सारे फायदे हुए। जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, हमारा जो मैन डेज लॉस था एक्सीडेंट की वजह से वो 40% कम हो गया। 40% कम होने से दो चीज़ होती है, एक हमारे एम्प्लॉयज़ की कंडीशन बेटर हो गई आगे से, दूसरा हमारा जो लॉस होता था जब आदमी कोई बीमार हो एक्सीडेंट पे जाता है, खर्चा होता था, कंपनी का नुकसान होता था, वो भी कम हो गया। हमारे लिए पहला वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट सेकेंड वाला जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया। मुझे आपसे वो ये कहना है, QBM ऐसा एक इनिशिएटिव हमने लिया है कि जो
कस्टमर का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। क्यूबीएम माने क्या? क्वालिटी बेस्ड मैनेजमेंट। कस्टमर माने क्या? ये जो कस्टमर है ये खाली गाड़ी चलाने वाले नहीं, ये हमारे एम्प्लॉयज जो मशीन पे काम करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, इस एनवायरनमेंट में हम जो काम कर रहे हैं। और ये जो क्यूबीएम इनिशिएटिव है ये क्या कहता है? मशीन की सेहत कैसी रखनी है, एम्प्लॉयज़ की सेहत कैसी रखनी है, अपने आजू बाजू की आबोहवा एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं उसकी सेहत कैसी रखनी है, उसके लिए हम लोग क्या योगदान दे सकते हैं। तो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, मिक्सिंग हो गया, एक्सट्रूडिंग हो गया, क्यूरिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, बॉयलर हाउस हो गया, तो हर एक जगह पे हम लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी से पोल्यूशन होने की वहाँ पे। एट द सेम टाइम वहाँ पे एडिक्वेट इल्यूमिनेशन है, मतलब एडिक्वेट लाइटिंग उस आदमी को काम करने के लिए लगती है वो लगाई है। वेंटिलेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने नेचुरल वेंटिलेशन का इस्तेमाल काफ़ी जगह पे किया है, जो रूफिंग वेंटिलेटर्स रहता है वो हम लोगों ने लगाई है। नेचर का जैसे हवा रहता है उसके ऊपर वो चलता है, उसके लिए आपको कुछ स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं रहती है, ना आपको उसके लिए कुछ मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो दिस वे ऑल्सो वी आर कंज्यूमिंग द एनर्जी, वी आर कंज्यूमिंग द रिसोर्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हेल्थ की जो बात करते हैं हम, तो हमारे पास फुल फ्लेज मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ हेल्थ सेंटर हैं, जिसमें दो हाईली एक्सपीरियंस क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो डॉक्टर अब बोलते हैं, और चार मेल नर्सेस हैं। उनका जो एनुअल मेडिकल चेकअप होता है सब एम्प्लॉयज़ का होता है यहाँ। हम सीएट के एम्प्लॉयज़ को काफ़ी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ सर्विसेज अपग्रेडिंग हो गई यहाँ के सिस्टम्स पूरे। अभी जैसे कि ये कार्बन पाउडर जो होता है उसकी वजह से जो होता है उसके लिए वो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, वो प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, जैसे कि और एनुअल और पीरियोडिक चेकअप भी हम करते हैं वो मॉनिटर करने के लिए। इनका पोल्यूशन लेवल काफ़ी टेप है, कम है, जितने पेशेंट एक्सपेक्टेड है वैसे नहीं निकलते यहाँ पर से पेशेंट। वैसे इंटरनली हमारे यहाँ मोर देन 250 वर्कमैन है जो हाउसकीपिंग गार्डनिंग की केयर लेते हैं। पिछले एक दो साल में मोर देन 500 ट्रीज हम लोगों ने आसपास के एरिया में बिग ट्रीज हम लोगों ने ट्रांसप्लांट किए हैं। हमारे पास फुल फ्लेज नर्सरी है, पूरी प्लांट की हरी भरी एक गार्डनिंग की काफ़ी हम लोग अहमियत देते हैं। एट द सेम टाइम हम लोगों ने हमारे जो नेबर्स है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज है या फिर कोई स्कूल्स है, उसमें भी हम लोगों ने वो सब ट्रीज़ डोनेट किए हैं, वहाँ पे ट्रांसप्लांट करके उनको हम लोगों ने लाइव रखा है। ऐसा नहीं है कि लगा दिया और भूल गए, वी हैव इंश्योर दैट दोस ट्रीज विल बी सर्वाइव्ड इन द इन दोस यू नो प्रीमाइसेस एंड एरियाज। हमारा प्रॉफिट मेकिंग ही एक मकसद नहीं है, हम ये मानते हैं कि हमें हमारे जो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन से उसको क्लीन एयर और क्लीन वाटर हम लोग उनको देना चाहिए। तो ये जो हमने एक्टिविटीज़ किया है इसका दो फायदा हो रहा है, एक हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो रही है, एनवायरनमेंट को हम अच्छा रख रहे हैं, सेफ्टी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उससे एम्प्लॉय मोरल इम्प्रूव होता है, उससे हमारे जो लोग हैं इर्द गिर्द में उनकी लाइफ में सुधार आता है, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि हमारे लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हो गई, हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ इम्प्रूव हो गई, और कंपनी की भी हेल्थ इम्प्रूव हो गई क्योंकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिला। सो तीनों का फ़ायदा है। लोग जनरली बात करते हैं विन विन सिचुएशन, हमारे लिए इट इज़ विन विन एंड विन, क्योंकि एम्प्लॉयज विनिंग, एनवायरनमेंट इज़ विनिंग एंड कंपनी इज़ विनिंग। The Seat Safety and Environment. Take it on. At Seat, actions fueled with passion. We are creating beautiful environment. So, take it on. हवाएं मैली मत करना कि जब तुम सांस लोगे, ये दम वापस नहीं आएगा जब तुम खांस लोगे।